गमले में बैठ के झूल सकते हो लेकिन मुंह से बोल नहीं सकते। मैं कहाँ पर पढूं? इसे पढ़ के लगता है तुम 8वीं पास भी नहीं हो। तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तो सिर्फ झूला ही तो झूल रहा हूँ। चलो मैंने पढ़ लिया, अब बताओ। जी हाँ, और क्या, मुझे क्या करना चाहिए? ये तुम्हारी तानाशाही है क्या? ये तानाशाही नहीं है, जो भी है ये मेरे लिए लव लेटर है। लव हो गया क्या? तुम्हें लव लेटर लिखने वाले पहले से ही बहुत सारे मौजूद हैं। ये है लव एप्लीकेशन। ओह, इसे पढ़ के देखो। पढ़ो। प्यारी माय डियर अंजलि, तुम आसमान से बारिश की तरह मेरी जिंदगी में आई हो। अब मेरी जिंदगी तुम्हारे फैसले पर है। जब से मैंने तुम्हें देखा है चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। मेरा दिल बहुत खुशी महसूस करता है। मुझ में 10 घोड़ों की ताकत आ गई है। अगर तुम मुझसे शादी करो तो जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। ये पढ़ के देखता हूँ। मेरी प्यारी अंजलि, रेशम का चेहरा बिल्कुल वेलवेट की तरह, पॉलिएस्टर की तरह तुम्हारे गाल, तुम्हारे जो बाल की कटिंग है वो मेरे दिल को छू जाती है। तुम्हें जब भी याद करता हूँ मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, स्विंग मशीन की तरह। ये तो कोई टेलर है। ये देखता हूँ, ये देखो पोस्ट कार्ड में भी किसी ने लव लेटर लिखा है। क्या इन सबको मैं फाड़ दूं? नहीं, इसे भद्र मामा ने लिखा है। भद्र मामा ने लिखा है? क्यों? मुझे शादी के बाद मुझे अपने हस्बैंड के साथ कैसे रहना चाहिए, ये सब लिखा है इसमें। वो लिखेगी लव लेटर किसी को, हम चोरी से उन्हें पढ़ेंगे। ए विजय, क्या सोचने लगे? नहीं कुछ नहीं। कुछ तो सोच रहे हो तुम। समझ गए हम, समझ गए क्या है तेरे दिल की बात। हाँ दिल की बात, आंखें बोले हर भेद खोले, कहते हैं सब सच है ये बात। विजय जी। कौन हो तुम? क्या है, तुम रो क्यों रही हो? मैं तुम्हारे दूर की रिश्तेदार हूँ। ओह, रिश्तेदार हो क्या? मैं इस गांव में नया हूँ, इस गांव के बारे में ज्यादा नहीं जानता। आई एम सॉरी। तुम तो मेरे रिश्तेदार हो। हाय, ये शर्ट कितना अच्छा है, कहाँ से खरीदा, कौन सी कंपनी का है? इस गांव से लिया है। अरे मैं तो बातों में भूली गई, मैंने अपने हाथों से जलेबी बनाई है तुम्हारे लिए, प्लीज खाओ ना। विजय कॉफी पी लो। पहले जलेबी तो खाने दो। जलेबी खा के कॉफी पीने से टेस्ट नहीं मिलेगा, पहले कॉफी पियो। लाओ ये मुझे दे दो, मैं बाद में ले लूं। तुम आज रात घर पे डिनर पे आना। हाँ, आज रात उसकी दूसरी पार्टी है। भांजे वो इधर लाओ। क्या है मामा? इतना कम क्यों है? लो जी भर के लो। समझ गया ना? रुको। ए, ड्रिंक कैसे किया जाता है तुमको पता है? पहले थोड़ा सा ड्रिंक लेते हैं, फिर ग्लास भर के पानी मिलाने का। तुम सिर्फ पूरा ड्रिंक ही लोगे क्या? मुझे कैसे पीना चाहिए इसको पता नहीं है। ऐसे पियोगे तो तुम्हारा भी पता नहीं चलेगा। ए भांजे, इसके बाद इससे पीने को मत देना। ओके मामा। ये सब विदेशी शराब है। विदेशी शराब है तो क्या, पी कर लुढ़क गया तो ट्रक मंगाने पड़ेंगे ले जाने के लिए। रख इधर। फेंक इसको इधर। अरे आप उसे फेंक क्यों रहे हैं? क्यों, जानवर जैसे हड्डी चबाने दो इसको। ऐसा नहीं है, इन्होंने कुछ ज्यादा ही पी लिया है इसीलिए ये हड्डी ही चबाते रहते। अरे बापरे, ये केला है, मुझे नहीं मालूम क्या तेरे मुंह में डालू। हाँ। क्या तू ही डाल ले। उन्हें चढ़ गई है मामा। अरे बहुत ज्यादा चढ़ गई है। ये उनके मुंह में डाल दो नहीं तो तुम्हें काट लेंगे। अरे अरे, इनके काटने के बाद कोई दवा भी असर नहीं करेगी। ऐसा है क्या? मुंह खोल, ये ले डाल, निकल जा। ये तो सिगरेट है, ये भी मुंह में डालू क्या? ए तू कुछ ज्यादा ही मुंह में ले रहा है। भाजी एक काम करते हैं, एयरपोर्ट के पास जो खाड़ी है इसे वहां ले जाकर ढकेल देते हैं।